नमस्कार, मैं विकास रोहरा रोशनी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की टिकट वितरण के बाद कांग्रेस भवन बिलासपुर में पहली बैठक रखी गई, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए शैलेश पांडे ने बीजेपी के प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री को सेठ जी संबोधित करते हुए गंभीर आरोप लगाए। साथ में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी काफी जोश और उत्साह के साथ उन्हें हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा कि हर एक कार्यकर्ता शैलेश पांडे है और पूरी ताकत के साथ वो फिर इस चुनाव में उतरे हैं और दोबारा उनका मुकाबला हो रहा है अमर अग्रवाल से। और ये एक खास रिपोर्ट हमारी आपकी तरफ है, देखिए कैसे शैलेश पांडे ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी को सेठ जी संबोधित करते हुए कितने गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव के पूर्व जब टिकट की घोषणा हमारे एआईसीसी ने करी है, एआईसीसी की टिकट मिलने के बाद आज पहली बैठक कांग्रेस कमेटी की बिलासपुर में हुई है और विधानसभा चुनाव 2023 के उपलक्ष्य में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा टिकट वितरण की गई है बिलासपुर में, उस टिकट वितरण के बाद आज पहली बैठक जो है वो कांग्रेस भवन में रखी गई थी। इसमें बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, वर्तमान सभी लोग, पार्षद, एल्डरमैन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी शहर, जिला, ब्लॉक, सभी के कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे बूथ के सभी लोग और महिला नेता, युवा नेता और सभी NSUI के सब लोग आज सम्मिलित हैं और एक कम्प्लीट बैठक आज की गई है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल हम सभी ने फील्ड में ही काम किया। हम सब लोग जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे, जनता के ऐसे समय जब जनता को दाने दाने के लिए मोहताज थी जनता हमारी, जब उनको राशन नहीं मिल पा रहा था, खाना नहीं मिल पा रहा था, जब उनके पास सब्जी रोटी नहीं मिल पा रही, जब उनको तेल मिर्ची की भी जरूरत थी, जब उनको गैस सिलेंडर की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी, जब उनको इस सब चीजों की जरूरत थी, यानी कि भूख से भी सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद परेशानी बीमारी से भी थी महामारी के समय, तब हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हम सब लोगों ने जो है जनता की 10 साल तक होते रहे और उसमें कितनी मौतें हुई हैं और कोड़वा कांड किसके कार्यकाल में हो बताएं, वो बताएं कि 15 साल बिलासपुर की जनता को सिर्फ धूल 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 उनकी आंखों में, धूल उनकी मुंह, इतने लोगों को न जाने कितनी बीमारियां हो गई। आज वो जनता के सामने बोल रहे, 4.5 साल कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, अचानक उनको टिकट मिली और उसके बाद वो मनगढ़ंत आरोप लगा के जनता के सामने जो है झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। पहले अपने कार्यकाल को याद करें, उन्होंने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस भवन में लाठी कांड हुआ था, तब उसके अगले दिन वो एक सार्वजनिक सभा में गए थे, उनने कहा था मेरे पास हजारों लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा कांग्रेसियों को और डंडे मारना चाहिए, ये उन्हीं ने कहा था ना, ये उनके शब्द थे। ये पूरा बिलासपुर नहीं, पूरा प्रदेश सुना। ऐसे व्यक्ति जो कि शहर के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो कि अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, जो आवाज उठती है उनको दबाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को हम अंग्रेजों की श्रेणी में मानते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार आती है गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, बोल उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने घर में, जनता ने उनको घर बिठा दिया है, अब वो घर में बैठे आराम से। विधायक जी बात कर रहे थे, तमाम तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, आप भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जो काम किए, आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ संस्कृति में काम, उन्होंने तीजा की छुट्टी दी, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी दी, उन्होंने छठ पूजा की सम्मान दिया उसको छुट्टी दी, उन्होंने ये चेटी चांद जो इतना बड़ा पर्व समाज का था उसकी छुट्टी दी। इतनी छुट्टियाँ देने के बाद आप सोचिए
कि इतना छुट्टियां, इतने समाजों का सम्मान किया, हमारे बिलासपुर में जितने भी समाज हैं उन समाजों को हमारी सरकार ने जमीन दी है, हमारे सरकार ने उनको लगभग 10 करोड़ रुपए दिए, हम लोगों ने विधायक निधि से अलग उनको समाज को सहयोग किया। आज समाज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे मितानी में हो, उनके मानदेय की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय की बात हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के मानदेय की बात हो, विकास में अरपा नदी का काम, टेम्स और साबरमती बनाने वाले भाजपा के प्रत्याशी जो जनता से झूठ बोल रहे थे बार बार, आप सब लोग जानते हैं हमारे मीडिया के साथ, आज कितना काम अरपा में हो रहा है। हम आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, अरुण तिवारी सर, काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हम जन भावनाओं के अनुसार हम काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे, हवाई चप्पल पहन के करेंगे हवाई सेवा, 15 साल में एक चिरैया नहीं उड़ा पाए, आज हमारी सरकार ने एयरपोर्ट बना दिया, आज बिलासपुर से दिल्ली सीधे फ्लाइट जा रही है, आज हमारे बिलासपुर का गौरव बढ़ा उससे, आज अस्पताल में देख लीजिए, आज सिम्स में सिटी स्कैन MRI आ गई, 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं, अरे एक स्कूल खोले होते तो बताते, 14 स्वामी आत्मानंद, आज 9000 बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज 9000 परिवारों को सरकार से सीधे लाभ, आज बिलासपुर का शिक्षा का स्तर बढ़ गया, बिलासपुर हमारा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जिसको तकलीफ है उसकी तकलीफ से फिर हम क्या करें।